आ गया मैडम, क्या हाँ जी, कुछ कर रहे हो फिर? अच्छा बताओ नहीं कैसा लग रहा हूँ? कर रहे, हैंडसम लग रहे हो। अरे यार इस झूठी तारीफ करते हो ना तो बड़े दिल को चुभती है यार, सच सच बता दो। सच बता रही हूँ, आप हैंडसम लग रहे हो। सच्ची? हाँ सच्ची। ठीक है। अरे सुनो ना, हाँ चलो अंदर चले, चलो, मैं कप शॉप का वेट करते हुए यहाँ पे खड़ा हूँ, पता है कम कब से? से कम 15-20 मिनट होगा मैं यहाँ पे आके, सोचा अच्छा आप जल्दी आ जाओगे, बट नहीं, आप तो लेट लफ्ट थीफ निकले एकदम से। इंतजार का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा सुनो, तबीयत हाँ तो ठीक लग रही है? हाँ अब तो ठीक है। ओके इफ यू डोंट माइंड मैं टच करके देख सकता हूँ? नहीं, फीवर तो नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, फीवर नहीं था, गले में दर्द था बस। जो भी हो लेकिन फीवर तो हो सकता है ना, सर्दी खांसी गले में दर्द ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, फीवर तो होता ही है इन सब में, सो इसलिए देख रहा था। चलो अंदर चलो, बाय चलो द वे आज भी अंदर कोई नहीं है, सो यू कैन होल्ड माय हैंड्स, आ जाओ। क्या ओके। हुआ, हाथ क्यों कांप रहे आपके? पता नहीं, क्या हुआ है, तबीयत खराब लग रही है? मुझसे नहीं डर? आपसे क्यों डर लगेगा मुझे। ठीक है फिर चलो, ठीक है। रुको मैं शेयर कर लेता हूँ, बैठो। बोलो, कॉल पे तो बड़ा बोलते हो, बड़ा प्यार आता है, अभी शांत शांत बस सवालों के जवाब देने हैं। पता नहीं यार, आपके सामने कुछ निकलता ही नहीं है। हाँ जब मिलने की बारी आती तब नहीं निकलता, जब घर में होते तो कहते हो अरे देखने आ जाओ, है ना, फिर जब मैं आता हूँ तो एकदम से मुस्कुरा देते हो। वैसे आज मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ मिलने के लिए नहीं, कुछ और भी बताने के लिए बुलाया, आपको तो पता ही होगा। हाँ क्या बताना था आपको? हो सकता तो मैं इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आए, या हो सकता तो मैं इससे मुझे थप्पड़ मार के यहाँ से निकल जाऊं, बट मुझे बहुत सारी बातें जो तुमसे क्लियर आउट करनी थी। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक प्लान है, क्या? ओके आंखें बंद करो, हाथ दिखाओ, साहब हाथ अपने टेबल पे रखो, ये आपके लिए, ओपन योर आईज, चॉकलेट। मुझे नहीं पता आपका फेवरेट कौन सा है, बट मैंने ये बबली ऐसी ला ली। मेरी फेवरेट सच्ची? है। हाँ मेरी भी। थैंक यू। क्या साथ में खा सकते हैं? साथ में खा सकते हैं? ठीक है, कैसे? कुछ और तरीके से, बट कुछ नहीं, मजाक कर रहा आप भी ना। समझ गए ना मैं क्या बोलने वाला था, मैं सर शर्मा गया ना तो पता चल गया। समझिए क्या समझ रहे तुम्हें? कुछ नहीं। तो मैंने आपके लिए चाय बना के रखी है, अच्छा गरम करवा के मंगवा लूं? भाई ठीक है, ठीक लेके आ जा। हाँ आ जा। अरे सुनो, मैं क्या कह रहा था ना, हाँ बोलो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी लो चाय भी आ गई, ये आपका और ये मेरा, ट्राई करो कैसी बनी है। एकदम से मत पीना, फूंक मार के पियो, गर्म होगी ना। ओके अच्छी है चाय। सच्ची अच्छी आपने लग रही है? बनाई है ये? हाँ मैंने बनाई है, और कौन बनाएगा? पक्का आपने बनाई है?
अरे कसम से उसे पूछना है। क्या बात है, आप बहुत टेस्टी चाय बनाते हो यार। क्या करे अब कुछ अच्छी सी चीज बोलने वाला था बट मैं रुक गया। ठीक है, सोचा आप बुरा मान जाओ तो बेटर है ना बोलूं। क्या बोलने वाले थे बोलो। ऐसी टेस्टी लड़की के साथ बैठा हो तो टेस्टी चाय मिलाना बनता है उसे। हाँ ओहो, जी, मैं टेस्टी लड़की हूँ। अब मैंने टेस्ट तो नहीं किया, जब टेस्ट करूंगा तो पता चलेगा। कोई मजाक कर रहा हूँ यार, सॉरी। अच्छा बात नहीं। सुनो ना, एक बात कहनी है आपसे। प्लीज क्या, ये गरम गरम चाय मेरे मुंह पे फेंक के मत मारना, ठीक है? क्यों है ऐसा, क्या बताने वाले यार। अच्छा ये हाथ यहाँ पर रखो, ये वाला उससे चाय पियो, ये वाला रखो पकड़ो तो। आपको एक बात बताता हूँ मेरे दिल की आज, ठीक है? मेरी ओके। लाइफ में कुछ ही लोग इम्पोर्टेंट है, पता है? जैसे कि घर वाले हो गए, फैमिली हो गई, फिर कोई कुछ दोस्त हो गए, और सबसे ज्यादा आप हो, फैमिली के बाद हो गए। अच्छा सो मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। आपको रोज देखने आना, आपकी एक झलक दिख जाती है ना मुझे, तो मैं ऐसा सोचता हूँ जैसे बस आज जन्नत दिख गई, बात खत्म है। मेरे को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता था। मैं घर के बाहर भी निकलूँ ना, अगर मुझे आपके घर के अपोजिट साइड भी जाना हो, चाहे कितने भी दूर, मैं फिर भी आपके घर के सामने से होकर जाता था, क्योंकि पता नहीं कब आपकी शक्ल दिख जाए, आप दिख जाओ। और मैं आपसे आपसे इतना प्यार करता हूँ ना, मैं बता भी नहीं सकता। बस अच्छा डोंट स्माइल, ओके? जस्ट लिसन टू मी, और आंखों में देखो मेरे, पता है मेरी भी हिम्मत नहीं होगी, बट लुक इनटू माय आईज। ओके। और पता है आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ शक्ल से प्यार करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं पूरा का पूरा आपसे प्यार करता हूँ यार, क्योंकि आपकी आवाज जो कि मैंने कभी सुनी नहीं थी वो भी इतनी प्यारी है, और आपकी हरकतें, आप हर एक वो चीज कर लेते हो जो चीज मैं सोचता हूँ कि मेरी वाइफ ने करनी चाहिए फ्यूचर में, और इन सारे रीजंस की वजह से और भी बहुत सारे हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। सुनो हाँ एक बात कहूँ आपसे, और बोलो। मुझे नहीं पता कि अभी आप मेरे बारे में क्या सोचोगे क्या नहीं, लेकिन मैंने एक गलत चीज़ की है, जिसके लिए शायद गलत नहीं है, मेरे लिए तो सही थी, क्योंकि वो चीज़ मुझे रातों में सुकून की नींद देती है, इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो, बट हो सकता है आपके लिए गलत हो। तो क्या है वो चीज़। इधर आओ, इधर देखो मेरा फोन। हाँ, गैलरी गैलरी गैलरी, ये क्या है? क्या रुको मैं प्ले करता हूँ। याद है ये फंक्शन में आप थे और मैं भी आया था, आपने देखा हाँ नहीं, मुझे देखा नहीं, पता नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं ऐसे प्ले नहीं करूंगा, ठीक है? ट्रस्ट मी, जस्ट स्लोमो में ऐसे स्वाइप करके थोड़ा प्ले होता है ना, वैसे करके दिखाऊंगा ताकि वो स्लोमो में आपको दिख जाए। सो ये आप हो यहाँ पे, ठीक है? ऐसे मत देखो प्लीज। और है ये आपके किचन की वीडियो है जब आप खाना बना रहे थे। ये सब आपने कब किया ये। और है ये जब आप खाना खा रहे थे, और ये जब किया जब आप अपने जो आपकी जो बीवी आई थी उनका जो बेटा आया था ना, छोटा सा बेटा उनका, जब उसका खाना खिला रहे थे, देखो। और ये तब किया जब आप रात में वॉक के लिए निकले थे एक बार अपने मम्मी के साथ। ये सब कब किया आपने। रियली सॉरी, मुझे पता है आपको गुस्सा आएगा, बट ट्रस्ट मी, मेरा कोई सबके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं बस आपको डेली देखना चाहता था, और मैं ऐसा
कोई टाइम ही मैच नहीं होता था हम दोनों के बीच के मैं आपको हमेशा देख पाऊं, पता है। मैंने निकाल लिया फोन, चालू रख के आपको कभी पता नहीं चला। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टॉक करता था या कुछ। ऑफ कोर्स ही बात, आपसे प्यार करता हूँ तो स्टॉक तो करूंगा ही, लेकिन मैंने ये इसीलिए भी निकाली क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे जब भी याद आती थी ना तो मैं ऐसे बोल के देख लेता था आपको, क्योंकि आप ना तो कोई आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल थी ना कुछ ज्यादा। इस वजह से आपने रिसेंटली अभी प्रोफाइल भी बनाई थी, तब हमारी वो सारी बातें और चैट शुरू हुई थी, याद है, फते के बाद से तब से ही पहचान हुई। आपने तो न्यू प्रोफाइल बनाने के बाद भी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, बट अभी कर लिया। आई नो दैट कि कोई चांस ही नहीं था, कोई मौका ही नहीं था आपको देखने का मेरे पास, तो इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं मम्मी कसम खा के बताता हूँ, मेरा इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं था। प्लीज इस तरह मत देखो मुझे यार, चेहरे की स्माइल उड़ गई ना तो मेरे अरे हाथ कांप रहा है। आई एम सॉरी, हाथ क्यों तोड़ दिया? क्या बोलूं मैं, ये मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, बट मैं किसी भी झूठ से हमारा रिश्ता नहीं शुरू करना चाहता, ट्रस्ट मी। मैं सच्ची आपसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तभी मैंने ये सब ऐसी ताकि आपको देख सकूं। रात में अच्छी नींद आती है यार, सपनों में रोज आ पाते हो, फिर इसीलिए मैंने आपकी वीडियोस निकाली थी। आई नो दैट, बट ये सब चीज़ गलत है यार। मैंने कहा था ना कि आपके लिए गलत होगी, मेरे लिए ये जन्नत की बराबर थी। बहुत डरते डरते किया है मैंने ये भी जो किया है, बस आपके लिए, ताकि आपकी एक झलक दिख जाए ना तो मेरा दिन बन जाए, मेरी रात बन जाए, मेरा 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 पूरा पूरी जिंदगी बन जाए। बस मैं इतनी लाइफ में मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हमेशा एक ही रीजन से, जब भी मौका मिलेगा ना अपने घर पे बता के आपके घर रिश्ता लेके आ सको। बस मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझसे इम्प्रेस हो जाओगे, आप लाइक हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे, बट मैं बस ये सोचता था कि यार चलो अभी ये जानती भी नहीं है मुझे, कोई बात नहीं, जब अच्छा कुछ बन जाऊंगा ना जिंदगी में तो अपना रिश्ता इसके लिए जरूर लेके जाऊंगा अपने घर वालों के साथ। और ये मेरा स्टार्टिंग से एक ये रहा है, और थैंक्स टू यू आज मैं अपनी लाइफ में जो भी हूं ना, जो भी मैं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपकी वजह से। अगर मैंने आपको नहीं देखा होता ना जब मैं शायद से 6th या 8th स्टैंडर्ड में था, और तब से बस आपके पीछे पागल हूँ, अगर मैंने नहीं देखा होता ना, कसम से बता रहा हूँ आज मैं कुछ और कर रहा होता अपनी जिंदगी में। लेकिन वो कहते हैं ना कि बस एक शौक या झटका चाहिए होता है गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए, कभी कभी मेरी तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और वो शौक आप मेरे लिए, बस मैं बस माफी मांगता हूँ आपसे, रियली सॉरी, प्लीज रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने ये गलत चीज करी है, मैं नहीं चाहता इसकी वजह से मुझे छोड़ दो यार। मैं चाहता तो छुपा भी सकता था जिंदगी पर, डिलीट कर देता हूँ, कुछ पता नहीं चलता आपको, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा जो सच है वो बोल के हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाए तो बेटर होगा। आई नो आपको भी शौक लगा है, आपकी सबकी शक्ल बता रही है। देखो मुझे ये मैं चीज आपसे सच्ची बता रहा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ यार, सच्ची में। थोड़ा सर को प्लीज आप मेरी बात का भरोसा मत मानना, ठीक है। सी कहाँ रख दिया मैंने, आई जस्ट लव यू। जिंदगी भर आपका साथ चाहिए, जिंदगी भर आप मुझे अपने साथ चाहिए, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, और मैं मेरी फैमिली, हम सब आपके साथ, ये प्रॉमिस। मुझे आपसे शादी करनी है। सच में
सच्ची मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने जल्दी आपको ये शादी के लिए प्रपोज करूंगा, लेकिन मेरे पास अभी कुछ और है नहीं यार, बस यही है गुलाब का फूल और इसके कांटे जो मेरी उंगलियों में अभी चुभ रहे हैं। ठीक, मुझे ये जता रहा है कि अगर आज इसने मना कर दिया ना, तो ठीक इसी तरह मेरे दिल में भी कुछ ना कुछ पक्का चुप जाएगा और फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज जहाँ जो भी यहाँ पे हूँ ना, आपके सामने खड़ा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा हूँ, अपने लाइफ में खुश हूँ, आपकी वजह से हूँ, बस आप नहीं होते ना तो मैं आज अपने रास्ता कुछ और ही होता मेरा। आई नो दैट मेरे लिए आप मेरी क्रश हो, मेरा फर्स्ट लव हो, मेरा कहते हैं ना बचपन का प्यार, और ये भी कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। सो जिस नज़र आपको देखा उसी वक्त आपसे बहुत प्यार हो गया। बैठे क्या हो, अगर एक्सेप्ट करते हो तो घुटने दर्द कर रहे हैं, हाथ से फोन ले लो, और अगर नहीं करते तो हाथ में पकड़ के मेरे नाक में मार के फेंको, नाक टूटेगी, एक दोस्त के सामने इज्जत भी जाएगी और कुछ नहीं होगा। वैसे मुझे आपकी इस हरकत से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो ये तो लो ना, ठीक है। सुनो आई एम रियली सॉरी, देखो घुटने पे बैठो, कान पकड़ के, आई एम रियली सॉरी, माफ करता हूँ, कोई बात नहीं। बैठो इधर। आपको एक बात पता है, क्या मैं सच्ची नहीं सोच रहा था कि मैं आपको अभी शादी के लिए प्रपोज करूंगा, बट मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन को और किस तरह मैं हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप गुस्सा होकर यहाँ से चले जाओगे, मेरे को ब्लॉक कर दोगे, मेरा फोन नहीं उठाओगे, मेरा कुछ भी नहीं, सो आपको रोकने का मेरे पास बस यही तरीका, और मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी भर मैं बस एक वेला इंसान बन के आपके घर के सामने भटकता रहूँ, बस एक झलक के लिए, और फिर अगर किसी और से आपकी शादी हो जाती है वो देख के चले जाता तो मैं क्या करता। तो ये सब आपने इसीलिए किया? नहीं एक्चुअली मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मैं आपको अपना प्यार बताना चाहता था, और अभी देखो आपकी भी उम्र है मेरी भी है, सो हम शादी तो कर ही सकते हैं, मैंने सुना भी है कि आपके पेरेंट्स आने वाले 5-6 महीने में आपके लिए लड़का देखना स्टार्ट करने वाले हैं, सच है ना? हाँ सच है। इसीलिए अगर रिश्ते आ रहे हैं और इधर मैं पीछे से तोड़वा देता हूँ, एक तो मैंने मेरे खुद के भाई का तोड़वाया जो आपके लिए रिश्ता लेके आ रहा था, मैंने उसके घर पे जाके बता दिया कि मैंने सच बताऊँ तो अपने पापा को बता दिया कि मैं आपको लाइक करता हूँ, सॉरी बट मैंने बता दिया है। क्या हाँ ये भी एक सच है जो मुझे आपसे बताना था, आज से कुछ महीने पहले जब मेरे भैया की शादी डिसाइड हुई, मतलब चल रही थी लड़की देखना, तो पापा ने ही आपका नाम सजेस्ट किया था उन्हें, आपको पापा ने एक शादी में देखा था और वहाँ पे आप उनको बहुत अच्छे लगे, और फिर मेरे को मेरे पापा ने पूछा कि वो लड़की कैसी लगती है, मैं तो बस खाना खा रहा था और खाना खाते खाते मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे इतनी पसंद है कि 8वीं से तो मैं ही उसके पीछे हूँ। फिर पापा के चेहरे पे स्माइल आई, पापा हंसने लगे, मम्मी भागती हुई आ गई कि क्या बोला इसने, क्या बोला इसने, पापा ने उन्हें बताया, फिर पापा ने बोला, मतलब पापा ने बताया तो मम्मी बोली नहीं नहीं कुछ नहीं कराना अभी इसकी शादी, ये वो कुछ करता तो नहीं है अभी ऐसा वैसा, मेरा दिल टूट गया यार, इतना कुछ करके भी कुछ नहीं करता, ठीक है कोई बात नहीं और मेहनत करेंगे, और मेहनत करने लगा जस्ट ताकि मैं घर वालों को मना सकूँ आपके लिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ आपके बदौलत, अगर आप मेरे जिंदगी में तब या कभी नहीं आया होता ना, मुझे नहीं लगता कि मैं आज इस रास्ते पे होता, अपनी लाइफ में भटक चुका होता, आप हो जो मुझे अपने रास्ते पे फोकस रखने में हेल्प करते हो। आप मुझसे इतना प्यार करते हो,
मैं आपसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है, मेरे दोस्त कहते हैं कि अपने प्यार का ज्यादा इजहार मत करना, सिर पे चढ़ गई ना तो बड़ा बेच खाएगी तेरे को। फिर मैं कहता था वो लड़की वैसी है ही नहीं। नहीं, मैं आपके सिर पर नहीं चढ़ूंगी, चिंता मत करो। अच्छा, चढ़ भी गए तो क्या, कोई बात नहीं, मैं ऐसे उठाऊंगा और आपको बेड में पटक के मारूंगा। क्या? मजाक कर रहा हूँ, जस्ट स्माइल चाहिए थी। अच्छा, लव यू। पता आई लव यू टू। है, एक बात कहूँ, क्या? इधर देखो फोन में मैंने अब क्या है? दिखा रहा हूँ ना, वेट, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये आंटी के पीछे बैठा, आपका सिर दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ, इसको देखो। मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? देखना, देखो मैं यहाँ पे फोन लेके खड़ा हूँ ऐसा, और आप देखो कैसे दिखते हो, ठीक है? थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, देखा देखा देखा, आंटी के पीछे से ऐसे बाहर निकले, और किसको देख रहे थे? सच बता रहा, सच बता रहा, किसको देख रहे थे? मैं तो पीठ दिखा के खड़ा था, और वो डायरेक्शन में सिर्फ मैं था। सो मुझे उस दिन कंफर्म हुआ कि ये मुझे देखती है। और अब इस वीडियो में देखो, ठीक है? इसमें आप खाना खा रहे हो ना, देखो देखो, ये अंकल जाने दो, अरे हटना अंकल। हाँ देखो, अब देखो, आप खाना उस बच्चे को खिलाया, फिर आपने को देखने वाला खाया, और मैं इधर की साइड खड़ा हूँ, फोन नीचे उल्टा पकड़ रखा है, ठीक है? और वीडियो चल रही थी। फिर जैसे ही आपने मुझे देखा कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, देखो 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 देखो, आंखें कहाँ आपकी, ये देखो आंखें कुछ पहले इधर थी, अब देखो है मेरी तरफ। और फिर हाँ, एकदम से जैसे ही मैंने देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ शक्ल नीचे, और खाना खाने लग गए। और अब इसमें देखो, किचन में खाना बना रहे हो, मैं आपके गेट के बाहर खड़ा हूँ, और इसमें मैंने कान को फोन लगा के फोन पे बात करूँ, ऐसा शो कर रहा था ताकि आपको पता ना चले, क्योंकि आप मैं डायरेक्टली मुझे देख सक रहा था। So, देखो यहाँ पे आपने पानी निकाला मटके में से, ताकि आप सब्जी में डाल सको, है ना, ग्रेवी के लिए शायद, क्या बना रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन देखो हल्की सी नजर, ये गई मुझ पे, और एकदम से नीचे देख लिया, बालों को कान के नीचे पीछे ऐसा लगा के, देखो है। सो आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं था आप मुझे लाइक करते हो? मेरे पास तो प्रूफ है, अब बताओ किसको देख रहे थे, मुझे या कोई और भी था? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मेरे आजू बाजू तो घंटा कोई नहीं था। सो बताओ किसको देख रहे थे, आप ही को देख रहे थे और किसी और देखा तब नहीं। देख रहे थे जब मेरा ध्यान ना हो, राइट? क्योंकि हाँ, आपको लग रहा था कि ये तो देख नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा? और कोई प्रूफ दो आपको इस चीज का कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे लाइक करते थे पहले से, क्योंकि अगर कोई लड़का इतनी बार आपके घर के आगे से चक्कर लगाता हो, और जिसे आप रोज देख देते हो, जैसी गाड़ी की हॉर्न बजती है वैसी आपकी नजर सड़क के पार होती है, और फिर भी आपको लगता है कि मैं गधा हूँ जो समझ नहीं पाऊंगा, मैं ये ऐसी छोटी मोटी स्माइल नहीं चाहिए, बड़ी सी करो। हा। चाय ठंडी हो गई आपके ग्लास की। एक बात कहूँ आपसे, मैंने क्या आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, इतना ज्यादा स्टडीज करी, अच्छी खासी काम करता हूँ, अच्छा खासा फैमिली है सब कुछ, मैंने तो अभी से इतनी प्लानिंग कर रखी है ना, इतनी सेविंग्स कर रखी है, या आपसे अगर शादी हो जाए ना, मेरी जिंदगी भर खुश रख सकूँ यही सोच के। अब मुझे नहीं पता अभी ऐसा कोई करता होगा नहीं करता इस जमाने में, लेकिन हाँ मेरे लिए दिस इज जस्ट ओल्ड स्कूल लव फॉर यू, एज यू आर माई फर्स्ट साइट, आई लव यू। लेफ्ट टू। हाथ मत दबाओ ऐसे, क्या मिल रहा है हाथ ऐसे दबा के, क्या लग रहा है मुझे, सेंसेशन नहीं होता है? अच्छा, पता है होता है प्यार पता करने का एक और तरीका होता है, क्या? आपने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ रखा है ना, देखो थोड़ा सा पसीना आ गया, गीला गीला हो गया, दिस इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ लव। अरे हाथ की छोड़ो, रखो, कोई बात नहीं, चलता है। कुछ मैं भी एक खाना बात पसंद करोगे? पूछूं? क्या हाँ, वो तो खाएंगे, बट मुझे भी कुछ कहना है। क्या
मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मुझसे इतना प्यार करेगा। मेरे लिए तो ऐसा अच्छा ना, और आपके लिए भी जल्दी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। मुझे पता है हमारा रिश्ता आसान नहीं होगा, बहुत तकलीफ आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। पक्का पक्का प्रॉमिस। आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना? कितने साल हो गए मैं आपसे प्यार करता हूँ, कितने साल गिन सकते हो? आपने तो बोला था बचपन से प्यार करते हो मुझे। गिन सकते हो आप? बताओ खुद, गिन सकते हो? जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था ओके तब से गिन सकते हो? काफी साल हो गए। 2014 या 13 में तो मेरी सिर्फ ये हुई है 10th, कि 2 साल पहले। इन शॉर्ट 2011 या 12 से आज 2024, कितना साल हो गए आज तक मैंने आपका साथ छोड़ा? नहीं क्या मैं आगे आपका साथ दूंगा? बिल्कुल दोगे? मिल गया जवाब? हाँ ठीक है, फिर बताओ क्या बुलाऊं खाने के लिए? कुछ भी मंगा लीजिए। मैं आता हूँ किचन से, उसको बोल के सबसे अच्छी वाली चीज। ठीक है, 1 मिनट आप यही रुको।